तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैदिक मैथ्स। जैसे पहला टॉपिक आपका है एडिशन। दोस्तों, हम लोग एडिशन करते वक्त आपने देखा होगा कि जो भी आपके जनरल मर्चेंट वाले हैं, जो भी सुपरमार्केट में होते हैं, जनरली वो तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन आपने जो खुदरा व्यापारी आप होंगे, जो आपके रोज़मर्रा के लोग होंगे या कोई रिक्शे वाला होगा, वो होगा, तो उनका आपने ये देखा होगा कि वो कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखते हैं। तो कैसे वो चीज़ मैनेज करते हैं, कैसे वो इस चीज़ों को कर पाते हैं, आइए हम देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 112, 145 और 130, ठीक है। ये सिंपल सा मैथ्स, ये सिंपल सा कैलकुलेशन करने के लिए भी हम आजकल इतने यूज टू हो गए हैं कैलकुलेटर के, कि मतलब मुझवानी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने कई जगह देखा होगा कि सुपरमार्केट्स में या जो भी जनरल स्टोर्स होते हैं, जो लोकल स्टोर्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वो लोग बिना किसी कैलकुलेटर के तुरंत कैलकुलेट करके आपको तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं कि आइए देखते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, नॉर्मल जो भी सिंगल डिजिट्स होती हैं उनको नॉर्मली ऐड करना है। जैसे आपका इसमें देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 2 और 5, इनको नॉर्मली आप ऐड करेंगे तो 7 निकलेगा। ये इनको आप ऐड करेंगे, 4 × 3 = 8, ठीक है, और ये 3। तो आपने ये देखा कि ये सिंपल सा कैलकुलेशन जो हमने आपको किया, ये 3 डिजिट को हमने कैलकुलेट किया, 387 आ रहा है। इसको मात्र कैलकुलेट करने में मुझको लगा होगा मुश्किल से 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस छोटा सा कैलकुलेशन भी, आजकल इंसान ऐसा हो गया है कि आज के लोग ऐसे हो गए हैं कि ये छोटे से कैलकुलेशन के लिए भी उसको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है। मतलब ये इतनी सिंपल सी चीज़ है कि उसको कैलकुलेट ना करके वो इसको कैलकुलेटर यूज़ करता है। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर्स हैं, हमने 3 नंबर्स को ऐड किया, सिंपली ऐड किया, सिंगल डिजिट्स को ऐड किया एक साथ सब जगह, और आपको आंसर मिला जो कि मुश्किल से 10 सेकंड से भी कम लगा होगा। ये 10 सेकंड मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे मुश्किल से लगे होंगे 8 या 9 सेकंड, लेकिन मैं एक अंदाज़ा से बता सकता हूँ कि 10 सेकंड में आपका ये आंसर निकल सकता है। जो चीज़ आप बैठ के कैलकुलेटर से कर सकते हो, आप मुझवानी भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो आपने ये कैसे देखा कि ये सिंपल से कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक मैथ्स वाले में, तो ये एक स्टार्ट है कि कैसे ये सिंपल चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते बिना किसी कैलकुलेटर के। तो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कैसे हम वैदिक मैथ्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम कंपिटेटिव एग्जाम्स में जहां हमें मैथ्स बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है और तुरंत आंसर निकालना पड़ता है, तो वो मैं कैसे आप 30 सेकंड में या 30 सेकंड से कम के अंतर में आप कैसे किसी भी आंसर को निकाल सकते हैं, जो कि कंपिटेटिव एग्जाम्स जैसे आपके जो भी बैंक होते हैं या SSC का होता है, उसमें नॉर्मल मैथ्स आती है, तो उसमें आपको मैथ्स के लिए हाई स्पीड होनी चाहिए, हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप बीट कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपके नंबर एवरेज नंबर आ रहे हैं तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। आपको अगर कम्पीट करना है बड़े स्तर के उस इंटेलिजेंस के हिसाब से, उस इंटेलिजेंट लोगों के हिसाब से, तो आपको उसके लिए मैथ्स में कम से कम एटलीस्ट जो मैथ्स का पार्ट होता है उसमें स्ट्रांग होना पड़ता है। उसमें स्ट्रांग होने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, और प्रैक्टिस आप बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हैं, और पेन और पेपर के इस्तेमाल के साथ भी कर सकते हैं।